नए कृषि कानून को लेकर 11 बार किसानों के साथ बातचीत हो चुकी है। हजारों बार पीएम मोदी किसानों का नाम ले चुके हैं, लेकिन एक बार भी कानून रद्द होने की बात नहीं कही। इसीलिए अन्नदाताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब वो मोदी सरकार के साथ दो दो हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसी है ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर गवाह बन रहे हैं उस आंदोलन के, जिसमें अन्नदाताओं के हक की आवाज है, मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार है। किसान बार बार बोल रहे हैं कानून को रद्द करो सरकार, लेकिन केंद्र है कि कदम ही नहीं उठाती, उल्टा अकड़ और दिखाती है। इसलिए किसानों ने भी मन बना लिया है कि लाठियां खाएंगे, लेकिन मोदी सरकार के सामने झुक कर वापस नहीं जाएंगे। किसान सरकार के साथ अब दो दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं। मजदूर किसान एकता संगठन के मंच पर पंजाब से आए सैकड़ों किसान हाथों में लाठियां थामे बैठे थे। हालांकि किसानों की लाठियों में झंडे लहरा रहे थे। किसानों का कहना है कि अगर 26 जनवरी को उन्हें दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने से रोका गया और पुलिस ने अगर उन पर लाठियां बरसाई तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। किसानों के मुताबिक पंजाब के प्रत्येक गाँव से लगभग 30 से 50 लोग लाठियों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो मोर्चा फतह करके ही यहां से वापस जाएंगे। किसानों ने साफ तौर पर कह दिया कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाल कर रहेंगे और इसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता है। अब अन्नदाता तो मोदी सरकार को लगातार तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को हुई 11वें दौर की बातचीत में सरकार ने कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद किसानों ने ऐलान किया कि अब कोई बैठक नहीं होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि जब अन्नदाताओं के साथ बातचीत ही नहीं होगी तो फिर बात कैसे बनेगी। क्या ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा? टीवी लाइव की रिपोर्ट।